कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम, सुमनप्रीत मैम तुहाडा वीज़ा, थैंक यू सो मच सर, और सुमनदीप मैम तुहाडा वीज़ा, थैंक यू सर। सो अपना वीज़ा प्लीज दिखाना, किस तरह का फील बहुत अच्छा फील हो रहा है। अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल दसना मैम कि तुसी साडी एडवर्टाइजमेंट कितने देखी और तुसी साई ओवरसीज कॉलेज क्यों अप्लाई किया? एक्चुअली मैं दा डेम की ओ देखी सी इंस्टाग्राम पे। ओके ते मेनू रिव्यूज वगैरह देख के अच्छा लगा ते सो मैं क्या कि कोई विजिट करके कंसल्ट करना चाहता हूं। ठीक है, और तुसी मैम? सर मैंने सेम इंस्टाग्राम पे देखी सी, मैं कमेंट्स वगैरह देखे, मेरे बहुत अच्छे लगे इसका। अच्छा प्रॉपर तुसी एने एफर्ट्स कीते कि नाल कमेंट्स भी तुसी रीड कीते कि बच्चों ने की है। अच्छा तुसी बैचलर जा रहे हो? हाँ जी सर। और सारी पेमेंट तुसी वीजा लगन तो बात कीती है? चलो खुश हो, हैप्पी हो मैम, बहुत ज्यादा। और अपने फ्रेंड्स नु एडवाइस करोगे कि साई ओवरसीज़ तो अप्लाई करो? हाँ जी सर। सो मैं एक एडवाइस करांगा तुहानू पर्सनली कि पहले तुसी अपनी स्टडी कंप्लीट करना, फिर बहुत ईजी है मूव करना। सम टाइम की होंगे कि बच्चा टी आर सी लैन तो बाद ही ना ही इमीजिएटली सोचता कि मैं तो यूके ने अपलाई किया कि मैं यूरोप कंट्री अपलाई करना नाल ही, तो इन्ना सक्सेसिव अच्छा नहीं निकल के आता। लेकिन अगर तुम मेरे अकॉर्डिंग चलोगे ना, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तुम अपनी स्टडी कंप्लीट करना वन ईयर की, उस तो बाद अगर तुम एफर्ट्स करोगे, ट्राई करोगे दूसरी कंट्री, डेफिनेटली वी विल अचीव द वीज़ा। सो थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच सर।